हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 क्लास 8 सोशल साइंस के बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 16 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों वो आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाली है, क्योंकि इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो उसके बारे में आप ऑलरेडी पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। और आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो है स्टेट में वो कैसे फॉर्म होती है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू हैव रीड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया देयर इज लेजिस्लेटिव असेंबली। सो बच्चों, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हर एक जो स्टेट है इंडिया का, उसकी अपनी क्या है, उसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और हर एक स्टेट को डिफरेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। From each constituency, a representative is elected by the eligible people who became member of legislative assembly or MLA. तो देखिए, हर एक constituency से एक representative elect किया जाता है, ठीक है, जो भी eligible people होता है, जो भी जब हम vote cast करते हैं वो चुन कर जो आता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं MLA, यानी member of legislative assembly. Now, in election, people contest on behalf of various political parties and hence MLA are of different political parties. So, इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो parties हैं, जैसे BJP है, Congress है, जो भी parties हैं वो अपने अपने representative उस constituency से जो है क्या करते हैं, उसको जो है वोट अपना टिकट देते हैं, और उसके बाद जो people हैं वो उनको वोट कास्ट करते हैं, और उसके बिहाफ पे जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो जो MLAs हैं एक पर्टिकुलर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो अलग अलग पार्टीज़ के हो सकते हैं। द पार्टी हुज MLAs गेट इलेक्टेड इन मोर देन हाफ ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज कंसिडर्ड एज द पार्टी विद मेजॉरिटी इन दैट स्टेट। अब देखिए, जिस भी पार्टी के पास जो MLA हैं वो हाफ यानी 50% से ज़्यादा होंगे वो मेजर पार्टी कहलाती है, ठीक है, यानी जिसके पास मेजॉरिटी जो है MLAs होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो मेजर पार्टी कहलाएगी। द पार्टी गेटिंग द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और जिसके पास ज़्यादा MLA हैं वो क्या कहलाएगी, रूलिंग पार्टी, यानी वो रूल करेगी, यानी उसी की सरकार हो जाएगी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल से समझें तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम समझें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी अभी गवर्नमेंट किसकी है, BJP की है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनको जो है ज़्यादा MPs की जो सीट्स जो सीट हैं वो मिली, तो इसीलिए रूलिंग पार्टी BJP है। और अपोजिशन में कौन है, कांग्रेस, और बाकी जो पार्टीज़ हैं वो अपोजिशन में हैं। एंड वाइल ऑल अदर पार्टीज़ आर कॉल्ड अपोजिशन, तो अदर पार्टीज़ हैं वो क्या हैं, वो अपोजिशन में हैं, ठीक है। इसी तरह आप दिल्ली का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, केजरीवाल जी वो रूलिंग पार्टी हैं और बाकी जो है वो किस में होंगे, अपोजिशन में होंगे। नाउ द रिजल्ट ऑफ 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द इलेक्शन हेल्ड इन 2017 इन हिमाचल प्रदेश इज गिवन बिलो, रीड द एग्जैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब देखिए, 2017 के हिमाचल प्रदेश के जो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके आपको क्या दिए गए हैं, डाटा दिया गया है, एंड यू हैव टू गिव आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन डाटा, ओके। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2017, पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया गया है एंड MLA इलेक्टेड हैं उनका नाम दिया गया है, ठीक है, उनकी संख्या दी गई है। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, भारतीय जनता पार्टी BJP, नंबर ऑफ MLA इलेक्टेड कितने हैं, 44, इंडियन नेशनल कांग्रेस 21, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1, इंडिपेंडेंट यानी जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, जिनको हम निर्दलीय कह सकते हैं, दैट आर 2। तो टोटल कितने हो गए, 68 MLAs। अब यहाँ पे इसी से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स रिक्वायर्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी टू गेट मेजॉरिटी इन द स्टेट। अब इस स्टेट में अगर गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म करनी है, ठीक है, तो मिनिमम नंबर जो है वो कितना होना चाहिए,
एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए मेजॉरिटी में आने के लिए तो कितना होना चाहिए। देखिए टोटल कितना है 68, इसका हाफ कितना हो जाएगा 34, यानी 34 से चाहे एक ज़्यादा हो, यानी मिनिमम जो है वो 35 MLA एक पार्टी के होने चाहिए, तभी वो पार्टी रूलिंग पार्टी बनेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 35। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द पार्टीज मैंशनड अबोव विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट। सो अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा कौन सी पार्टी है जो कि क्या बनेगी, रूलिंग पार्टी बनेगी। अब देखिए सबसे ज़्यादा MLA का नंबर किस पार्टी के पास है, BJP के पास है 44। तो यानी यहाँ पर कौन सी पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, दैट इज़ BJP। कंप्लीट नाम भी आप लिख सकते हो बच्चों यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी। ओके, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, विच पार्टी मैंशनड अबो विल बी कॉल्ड अपोजिशन। बहुत ईजी है, मैंने आपको समझाया अपोजिशन पार्टी यानी रूलिंग पार्टी के बाद जो बच गए वो जिसके पास भी ज़्यादा जो है सीट होती हैं वो अपोजिशन पार्टी कहलाएगा। अब इसमें 21 जो है सीट किसके पास है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्या हो जाएगी, अपोजिशन पार्टी। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ INC, आप यहाँ से कंप्लीट लिख दीजिएगा INC, इसकी फुल फॉर्म भी लिख सकते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जो कि अपोजिशन पार्टी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, हाउ मेनी सीट ऑफ MLA आर देयर इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी केजरीवाल जी जो CM हैं, ठीक है, टोटल कितने MLAs की सीट है। सो कितने की है बच्चों, 70 जो है दिल्ली में 70 MLAs की सीट है। ओके, और 7 जो है वो MPs की है, याद रखेंगे 7 सीट्स जो है किसकी हैं, MPs की हैं, एंड 70 जो है वो MLA की हैं। नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर ओनली दोज वर्क्स विच फॉल्स अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है ना बच्चों वो जो है उन कामों को जो है लुक आफ्टर करेगी, उन कामों को देखेगी जो कि स्टेट के अंडर आते हैं, जैसे एजुकेशन स्टेट की, हेल्थ रिगार्डिंग जो है जो प्रॉब्लम्स होती हैं, रोड्स बनवाने हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इस तरह से। अब देखिए मान लीजिए दिल्ली की गवर्नमेंट है, अब दिल्ली की गवर्नमेंट जो है वो पंजाब में अपना रूल जो है वो नहीं चला सकती, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वही जो है क्या करेगी, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन देखना है, हेल्थ देखना है, वो काम वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो जिस स्टेट में जिसकी गवर्नमेंट है उसको, जो रूलिंग पार्टी है उसी को वो काम करने होंगे। नाउ इन इंडिया देयर आर 28 स्टेट्स, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, एंड 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, 3 यूनियन टेरिटरीज विच हैव देयर ऑन लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। वैसे तो देखो बच्चों UT कितने हैं, टोटल UT हैं 8, 28 स्टेट हैं, 8 UT हैं, ठीक है, लेकिन 8 में से केवल 3 ऐसे UT हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। बाकी जहां पर अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है उसका जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है के अंडर होता है, यानी जहाँ पर अपनी लेजिस्लेटिव जिन UTs की नहीं है उनको कौन रन करता है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। अब देखिए कौन से वो 3 UT हैं जिनकी अपनी गवर्नमेंट है, एक तो जहाँ आप रह रहे हो दिल्ली की अपनी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, दूसरा जम्मू, ठीक है, जम्मू की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, एंड थर्ड इज़ पुदुचेरी की जो है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, ये 3 UTs हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। नाउ देयर आर सम वर्क्स हुज इन्फ्लुएंस इज फेल्ट ऑल ओवर द कंट्री। अब देखिए कुछ काम ऐसे हैं जिनका इन्फ्लुएंस पूरे देश में पड़ता है, जहाँ ऐसे डिसीज़न होते हैं कि जिनका इन्फ्लुएंस पूरे देश को होना है, वो डिसीज़न गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको लेने होते हैं, लाइक सिक्योरिटी ऑफ बाउंड्रीज, यानी जो हमारे देश की जो सीमाएँ हैं, बाउंड्रीज़ हैं, उनको उनकी देख रेख करना, ट्रेन सर्विसेज हैं, टेली कम्युनिकेशन है, बैंकिंग फैसिलिटी है, ये सब जो है काम किसके द्वारा होते हैं, ये सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है और स्टेट के पास भी पावर होती है, एक राज्य में काम करने की, एक स्टेट में काम करने की, बट अगर दोनों में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉलिजन हो जाता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका डिसीज़न जो है वो फाइनल डिसीज़न माना जाता है, ठीक है, वहाँ राज्य सरकार को पीछे हटना पड़ता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर जो है वो ज़्यादा गिवन है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है, बहुत ईजी इसके क्वेश्चन हैं,
एंड फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।